वृंदावन के थाना कोतवाली की पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गांव तेहरा में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं महिला के परिजन इसे जमीनी विवाद में की गई हत्या का मामला बता रहे हैं। घटना बीती रात 2:30 बजे की है। मृतका के परिजनों के अनुसार रामू का पुत्र महेश अपनी पत्नी रीना के साथ कमरे में सो रहा था, जब कमरे के बाहर चबूतरे पर रखे हुए कूलर को हटाकर किसी ने खिड़की से रीना को गोली मार दी। महिला को लहूलुहान अवस्था में परिजन नैती हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल महिला की रहस्यमय मौत के मामले में पति रामू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो अभी तक किसी ने भी महिला की मौत के मामले में तहरीर पुलिस को नहीं दी है। सीओ सदर राकेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे किए। इस दिल दहला देने वाली घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। अंदर हटा के तापदान जंगल हो चुका है, तो हमें गोली मार गई मार गई। हम दूसरी जगह सो रहे, दो चार खेत दूर दूसरे घर पर वहाँ, तो फिर छोटा बार हो छोरा पहुँचो ताऊ घर को चलो जल्दी, गोली मार गए। कोई आपस का खेती का जमीन का विवाद चल रहा है। ये जो तेहरा गांव में रामू यादव ने ये सूचना दी कि उनकी पत्नी, उनकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी, उनको गोली मार दी गई है, जिस पे ये सामने जो उनके पड़ोसी हैं जितेश और राजेंद्र, उनको नामजद करते हुए एक तहरीर दिया है। वो नैथ हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस संबंध में तहरीर ले ली गई है और इसमें हर एंगल से जांच की जा रही है। क्योंकि जो मौका देखा गया है, उनके द्वारा ये बताया गया कूलर हटा करके गोली मारी गई है और महिला को गोली सीने में लगी है, और इस संबंध में और भी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसा आगे निकल के आता है उस अनुरूप कार्रवाई की जाए। मथुरा से मनीष चौधरी की रिपोर्ट।